जियनपुर कस्बे में बसपा के हुई जनसभा, उमड़ा जनसैलाब। लोकसभा का उपचुनाव नहीं आजमगढ़ के सम्मान की लड़ाई, नेता नहीं बेटा चुनने की सर्व समाज से की अपील। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दौर में सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी, तो वहीं बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली के समर्थन में जियनपुर कस्बे में जनसभा के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखकर उत्साहित गुड्डू जमाली ने अपने संबोधन में जमकर सपा व भाजपा प्रत्याशी पर हमला बोला, तो कहा कि लोकसभा का उपचुनाव एक साधारण उपचुनाव नहीं बल्कि आजमगढ़ के सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने सर्व समाज के नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा चुनने की अपील। प्रचार कर रहे हैं आप, आज आरयूसी भी साथ में आ गई, कितना सर आप लोगों को मिलेगा? देखिए, चूंकि आरयूसी आई उसका बहुत धन्यवाद। ये एक सैलाब, सब लोग सही और गलत को समझ रहे हैं, पूरे जिलेवासी समझ रहे हैं। उसी क्रम में आप किसी ने भी कहा ना कि हमने बहुत तोला इस बात को, तो हमें लगा कि बीएसपी का कैंडिडेट का ही हक बनता है हमारे सपोर्ट पर और हमारे वोट पर, और ये लोग हारेंगे, बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीतेगी और जीत चुकी है। वोट पढ़ने दीजिए, 3-4 दिन की बात है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जमाली साहब, आपके ही विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर में केशव प्रसाद मौर्य जी की जनसभा, आजम खान साहब की जनसभा, कहीं आपके चुनाव पर असर न पड़ जाए? ऐसा है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि और अगर कोई बचा हो दोनों दलों के पास, तो उनको बुला लें, ताकि हारने के बाद ये न कहें कि यार ये रह गए थे वरना हम जीत जाते। इनको हारना ही है, जो चाहे आ जाए। हम तो दोनों से बार बार कहते हैं कि देखिए, अभी आपके पास अब भी वक्त है, कल 5 बजे तक है, सुबह हेलीकॉप्टर से लेके आ जाए। कल को ये न कहना हारने के बाद कि ये रह गए थे वरना जिता देते, क्योंकि इनको हारना ही है भाई मेरे। अग्निपथ पे जारी जो बवाल चल रहा है, क्या उसका आजमगढ़ में तो बहन जी ने कह दिया, जो कहना था कुछ नहीं पढ़ने वाला यार, यहाँ की जनता सब बीएसपी के साथ है, जमाली के साथ। सरकार योगी जी आए थे, कह रहे थे कि अगले 30 दिन युवाओं को बहका रहे हैं। ऐसा है कि उनको कुछ भी कहने को अधिकार है, वो लोग भ्रमित ही करते हैं समाज को, अभी तक तो भ्रमित ही कर रहे हैं। ये तो भ्रम पैदा कर रहे हैं। सवाल ये कि 5 साल नौकरी करने के बाद कहाँ जाएंगे, तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम पैदा यहाँ पे काफी खारिज करवा रहे यहाँ पे। एक जो सैदई परिवार है उसका मानना है कि ये जमीन आजमगढ़ की उसकी जागीर है, और हम लोग आजमगढ़ की ये क्रांतिकारी धरती के रहने वाले सम्मानित नागरिक उनके गुलाम हैं। वो किसी को भी भेजते, जब चाहे भेजते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात की गारंटी है कि वो जिसको भेजेंगे, यहाँ की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है सिवा उसको जिताने। 2014 में उनके पिताजी आए, उस वक्त भी एक भयंकर लड़ाई हुई थी। ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठाए जीत गए थे, पसीने छूट गए थे सबके। और अगर उस वक्त सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता तो उसी वक्त ये चुनाव आ जाए। लेकिन ठीक है, जीते तो चूंकि मैं भी उस वक्त लड़ रहा था बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, हमने ये सोच के सबर कर लिया। मैं नाची आपकी नहीं हूं, हारने का दम तो यकीनन था, इसलिए नहीं कि मैं चुनाव हारा। मुझे लगा कि यार मैं इतना डिवोटेड आदमी हूं, समर्पित आदमी हूं, आजमगढ़ के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं चुनाव हार गया। लेकिन मैंने अपने आप को यह समझा करके तसल्ली दे ली कि मेरी लालच तो कोई इसमें है नहीं कि मुझे कोई मॉनेटरी लाभ होता है, धन का लाभ होना है। एक इज्जत की ही तो लड़ाई थी, कोई बात नहीं, वो कर वाला जो करता है अच्छा करता है। उस वक्त मैं विधायक था, फिर मैं अपने काम में लग गया, अपने क्षेत्र में लग गया, और मैंने ये सोच के अपने को तसल्ली दी कि चलो मैं हारा ठीक ही हुआ। ये आए हैं बड़े नेता हैं, बेटा मुख्यमंत्री है, पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, बहुमत की सरकार है, लिहाजा हमारे जिले का नक्शा बदल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप उसको याद करके देखें तो इससे बड़ी जिल्लत और कुछ हो नहीं सकती कि यहाँ का कोई विकास होना तो दूर की बात, वो साहब यहाँ पे अपने जीत का प्रमाण पत्र भी लेके नहीं आए। उम्मीद और तवक्को तो यह थी कि जीतने के बाद आएंगे, कम से कम 5 विधानसभाओं में 5 मीटिंग कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, जनता को बता देंगे कि